झुग्गी झोपड़ी वाले बोल रहे हैं कि मैडम हम लोग को घर का बहुत प्रॉब्लम है, प्लस रेड़ी वाले बहुत परेशान हैं कि आए दिन लोग आते हैं ठेला उठा के फेंक देते हैं। पहले आसरा देना नहीं है, पहले तोड़ देना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये नगर निकाय का चुनाव होगा, इसमें तो ये सारे काम आते हैं। तो हम वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके संग मिल के इसमें बहुत भव्य रूप में, बहुत बृहद रूप में हम काम करेंगे। स्लम एरिया के दो बच्चे हमारे अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है 7 महीने किया है तो इसका जनता का आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए मुझे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो एक पॉजिटिविटी तो है अंदर कि हम जीतेंगे। सबको यही हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि वोट देने जरूर निकले और मेरे स्टूल छाप पे जरूर लगाए। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार में इन दिनों नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं और दूसरे चरण की वोटिंग होनी है 28 दिसंबर को। 30 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए, पटना की सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए मेयर प्रत्याशी जी जान से लगे हुए हैं। 32 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और एक प्रत्याशी हैं अभी इस वक्त सरिता नोपानी जी, जो हमारे साथ हैं। सरिता जी, क्या कुछ तैयारियाँ, इतने दिनों से आप जा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, क्या मिल रहा है, क्या लोगों से क्या रिएक्शन मिल रहा है? लोगों से काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। जहाँ भी जा रही हूँ, खुद ब खुद जनता जुड़ जा रही है और काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो एक हौसला बहुत बुलंद है कि चलो जनता मेरे साथ है। क्यों जनता मेरे साथ है? कि वो मेरा सेवा कार्य देखे हैं। प्लस हमारे मिस्टर नोपानी जी ने भी काफ़ी सेवा किया है, उनके साथ रह के मैं भी 30 साल से सेवा ही कर रही हूँ। तो वो जनता अपने आप जुड़ती है, इसलिए हौसला बहुत बढ़ा हुआ है कि चलिए। सब जनता ये भी कह रही है कि मैडम आप जीती हुई हैं, आप ही जीतेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी विश्वास बना हुआ है। अच्छा, लोगों की क्या शिकायतें हैं? आप लोगों के बीच जा रही हैं तो उनकी शिकायतों को तो आप समझ रही होंगी। क्या कुछ शिकायत कर रहे हैं लोग? बिल्कुल कर रहे हैं। खासकर झुग्गी झोपड़ी वाले बोल रहे हैं कि मैडम हम लोग को घर का बहुत प्रॉब्लम है, प्लस रेड़ी वाले बहुत परेशान हैं कि आए दिन लोग आते हैं ठेला उठा के फेंक देते हैं। सारी हम लोग की जो भी सब्जियां फ्रूट व्रूट है सब हम लोग का बर्बाद हो जाता है। 2 दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जल पाता है, फिर हम लोग रेड़ी लगाते हैं। तो कम से कम हमारे कोर्ट ने कह रखा है कि इनको पहले आप जगह दीजिए, तब इनको रेड़ी लगाने दीजिए, तब इनको हटाइए। लेकिन नहीं, पहले आसरा देना नहीं है, पहले तोड़ देना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये दो समस्या से काफ़ी बस्ती वाले लोग, गरीब लोग बहुत परेशान हैं इसके लिए। और दूसरी, रोड है, नाला है, गंदगी है, ये तो आप, हम सब जनता इससे परेशान हैं। हम भी एक जनता ही हैं आपके बीच। अब आए हैं यहाँ भी तो भी हम जनता ही के बीच रहेंगे। तो समस्याएं तो बहुत सी हैं, शौचालय की भी है। महिलाएं लोग को शौचालय करने में बहुत दिक्कत होती है, सब नाम के बने हुए हैं, वहाँ आप बगल से नहीं गुजर सकते हैं। तो इन समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगी, क्या कुछ आपका विजन होगा? समस्या का समाधान तो देखिए, ये पर्सनल रूप में हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने कभी इस पर ट्राई नहीं किया। लेकिन ये नगर निकाय का चुनाव होगा, इसमें तो ये सारे काम आते हैं। तो हम वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके संग मिल के इसमें बहुत भव्य रूप में, बहुत बृहद रूप में हम काम करेंगे ताकि इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले और हमारी जनता और हम सब कम से कम इससे निश्चिंत निजात पाएँ कि हम लोग को कोई, मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बहुत परेशानी होती है इसके लिए। इससे तो मैं भी भुक्तभोगी हूँ, शायद आप लोग भी होंगे, तो ये बताने की बात नहीं। अच्छा सरिता जी, आप अभी बता रही थीं कि स्लम एरियाज़ में आप काफ़ी सालों से एक्टिव रही हैं, तो उनके लिए आप क्या, अगर आप जीत जाती हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगी? किसके लिए पूछा आप? स्लम एरियाज़ में आप कई सालों से एक्टिव रही हैं तो आगे उनके लिए क्या करेंगी? उनके लिए देखिए, मैं सबसे पहले तो उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था जरूर करूंगी, जो कि मैं पिछले 14 साल से कर रही हूं। और उन्हीं स्लम एरिया के दो बच्चे हमारे अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, शायद पिछले साल वो लोग कंप्लीट कर जाएंगे। अच्छा है, अच्छा करेंगे। ये हमें आप थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं, आप कैसे उन स्लम एरियाज़ के बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं, क्या कुछ आपका अप्रोच रहता है वहाँ पर? वहाँ देखिए, मैं शुरू से स्लम एरिया में रही, मेड हमारी थी, काफ़ी दुखी थी। जो घर में काम करती है ये लोग आधा पेट खा के ही काम करती है। हमें तो यही लगता है इन लोग खून का ही कमाई खाती है, समझ जाइए आप। क्योंकि इनके जो भी हस्बैंड होते हैं वो सिर्फ नशा करते हैं, अपनी कमाई उसमें ख़त्म करते हैं। कुछ बोलेगी उनकी पत्नी, बच्चे तो मार पिटाई करते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ नशाबंदी बंद हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और रहा बात कि मैंने कैसे इन लोगों को शिक्षा देने का सोचा, क्योंकि इनके बच्चे मोहल्ले में सब गंदी आदतें सीख रहे हैं,
एक जन को कफन चाहिए था तो मेरी मेड ने ही बोला, तब मैं सलम एरिया में पहली बार गई थी, वहाँ की जो मैंने स्थिति देखी तो काफ़ी मन में आया कि हम लोग बहुत काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अंदर में था प्लस फैमिली का बहुत सपोर्ट था हमको। तो हमने वहाँ देखा कि जब उनका सब व्यवस्था करके मैं लौटी तो बच्चे कुछ वहाँ पे सिगरेट के टुकड़े फेंके हुए थे, वो लोग पेपर पे जला के उससे पीने की कोशिश कर रहे थे। तब मैंने उनको बोला कि चलो बाबू हम पढ़ाएंगे, तुम लोग को पढ़ोगे, तो वो सब भाग गए। तब मेरी मेड को मैंने बोला कि क्या तुम लोग इसको मेरे पास ला सकती हो, बोली भाभी ऐसे ये लोग नहीं आएगा, हम पहले अपना बच्चा को लाते हैं, पहले आप मेरे बच्चे को पढ़ाइए। तब हमने उनको ट्यूशन करना शुरू किया, फिर वहाँ की एक अच्छी स्कूल में मैंने उनको एडमिशन करा दिया, तो उनके पेरेंट्स जागरूक हुए। तब वो आए कि अरे पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, और उनके बच्चे इतना अच्छा बोलने लग गए, पढ़ने लग गए। ऐसे करके मुझे प्रेरणा मिली, तो आज हमारे 48 बच्चे सलम एरिया के इंग्लिश स्कूल में अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और हम लोग ने फिर धीरे धीरे अल्फ़ाबेट बोल के एक ऑफिस भी खोली है, आशियाना टावर में है हमारी, सेकेंड फ्लोर में। अब हमारी बेटी और बेटा और हम तीनों और प्लस हमारे सारी मेरी दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, ये सब मिलके हम लोग उसको काफ़ी बृहद रूप में कर रहे हैं। वहीं से दो बच्चे इंजीनियर निकले जो कि यही सलम एरिया के बच्चे थे। अच्छा सरिता जी, 32 प्रत्याशी मैदान में हैं, निवर्तमान सीता साहू जो मेयर हैं वो भी मैदान चुनाव मैदान में हैं, तो आपको क्यों लगता है कि उनको वोट ना देकर आपको लोग वोट दें? क्या देखिए, जनता आजकल की बहुत सजग हो गई है, बहुत एजुकेटेड भी हो गई है, अब उनको भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो खुद देखेंगे कि ये काम करने वाले लोग हैं, ये रह के भी नहीं किए हैं, तो वो सब देखते हुए जनता वोट करेगी। इसलिए मुझे लग रहा है साथ मैंने किया है तो इसका जनता का आशीर्वाद ज़रूर मिलना चाहिए मुझे, और प्लस सेवा करना है, नहीं भी मिलेगा तो भी करना ही है, आगे भी किए हैं, करके यहाँ आए हैं। ये तो है नहीं कि ये कुर्सी मिलेगी तो हम काम करेंगे, ऐसा मुझे नहीं है। इसलिए मैं आई हूँ इस फील्ड में, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता एकदम सहयोग कर रही है और करेगी मुझे। अच्छा, लोगों की शिकायत रहती है कि मेयर और डिप्यूटी मेयर जो जीत जाते हैं उसके बाद दर्शन भी नहीं देते हैं, लोगों के बीच जाते भी नहीं है, आप क्या करेंगी, आपका क्या? देखिए, मैं अभी भी जाती हूँ तो मुझसे भी ये सवाल करते हैं कि अभी तो आई हैं, क्या बाद में आप दिखेंगी? मैंने बोला, एक तो वन विंडो सिस्टम जो मैंने किया है, अब प्लस मेरा घर, हम यही कहते हैं मेरा घर नहीं है, वो मंदिर है, जब जिसको चाहे आ सकते हैं, और ऑफिस में तो खुला है, ऑफिस तो सबको पता है, इसलिए मैं जब आइए नहीं मिलूँ तो आप मुझे शिकायत करिए, ये बात मैं कहती हूँ। और मेरे अंदर एकदम है कि जो आएगा उस समस्या को मैं सुनूंगी और अपने हिसाब से और अपने कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द इसको कर दूँ। बाकी तो वहाँ जाएंगे, देखते हैं कैसा सहयोग मिलता है। अच्छा, लोगों के बीच जा रही है तो क्या सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है? काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, खुद ब खुद लोग जुड़ जा रहे हैं। अरे मैडम को कौन नहीं जानता, अरे नोपानी जी, अरे तो हम लोग को कोरोना काल में कितना खाना दिए, ऑक्सीजन बांटे, अरे आप लोग को तो पेपर में हम लोग ने बहुत देखा, आज पहली बार देखा। इस टाइप से काफ़ी कुछ हम लोग को सुनने को मिलता है, तो लगता है कि चलिए जनता हमारे साथ है, जनता को पता है कि कौन करने वाला है कौन नहीं करने वाला है, तो ये काफ़ी जनता का सपोर्ट हमारे साथ है। स्लम एरिया में जाइए, कहीं भी आप जाइए, शिक्षा में जाइए, स्कूलों में भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ की टीचर्स लोग भी बहुत अच्छे भाव से हम लोग को देखती हैं, बात करती हैं। अब मेयर का है तो हर जगह घूम के बताना तो पड़ेगा, काफ़ी लोग को नहीं पता है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो एक पॉजिटिविटी तो है अंदर में कि हम जीतेंगे। अच्छा, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, पटना के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही बोलूँगी पटना की जनता को कि आप एक अच्छे प्रत्याशी को चुनें, अब वोट जरूर करें, सरिता नोपानी का स्टूल छाप है और 27 नंबर ईवीएम पे है। इस बार ईवीएम बक्सा भी शायद 3 कलर की रखी गई है, तो येलो पे मेयर का है, तो मैं सबसे यही सबको को यही हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि वोट देने जरूर निकले और मेरे स्टूल छाप पे जरूर लगाए। जी, तो देखिए सरिता नोपानी जी हमारे साथ थी, क्या कुछ कहा इन्होंने आपने सुना, और देखिए वोट आप जिसको भी करें लेकिन वोट ज़रूर करें, जिस किसी भी प्रत्याशी को आप वोट दें वोट ज़रूर करने जाएं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।